हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ ए सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, इन आवर लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। वी डिस्कस दैट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर द प्रॉपर्टीज विच ओनली डिपेंड्स ऑन नंबर्स ऑफ मोल्स, नंबर्स ऑफ सॉल्यूट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। इन अवर लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सो व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज विच प्रॉपर्टीज of a solution, properties of a very dilute, properties of a dilute solution, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो बात होती है वो बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होती है, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन number of solutes and it is not depends on nature of solute। ओके, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन नंबर्स ऑफ मोल्स। ओके, हियर नंबर्स ऑफ सॉल्यूट से हमारा मतलब है सॉल्यूट के मोल, सॉल्यूट की मोलारिटी या मोलारिटी, ठीक है, मोलारिटी, ठीक है, मोल फ्रैक्शन। इन सब पे क्या करती है डाइल्यूट सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। इस सॉल्यूशन की अगर प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स, मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन पे अगर डिपेंड करती है तो सॉल्यूशन की इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। We have four colligative properties. First one is relative lowering in vapor pressure. Second, elevation in boiling point. Third is decrease in freezing point, and fourth is osmotic pressure. We have four colligative properties. These all properties are depends on numbers of solute. They do not depend on nature of solute. We already discussed this colligative property. We discussed that P1 divided by P1. This is our relative lowering in vapor pressure is directly proportional to zeta P. ठीक है, इसका जो मतलब होता है वो क्या है, ये रिलेटिव लोइंग इन वेपर प्रेशर होता है और ये किस पे डिपेंड करता है, तो सॉल्यूट जो है हमारे सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे ये डिपेंड करता है, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे ये डिपेंड करता है। देयरफॉर दिस इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देयरफॉर रिलेटिव लोइंग इन वेपर प्रेशर इज अ लो इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।
आज के लेक्चर में हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू डीआर द इक्वेशन फॉर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस टू न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन. So we are going to start with elevation in boiling point. ठीक है, elevation in boiling point. So to understand elevation in boiling point, we have to know about boiling point. What is boiling point? हमें इतना ही पता है कि अगर हम water लेते हैं तो water will be boil at 100 degree centigrade. हमें इतना ही पता है. पर what happen in that solution or in that water will be vaporized. मतलब water क्या होने लगता है? Boil होने लगता है. क्या होता है water में? तो water boil होने लगता है. तो उसके लिए वाटर बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन यू हैव टू नो. ठीक है ना, आपको बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए. सो डेफिनेशन ऑफ अ बॉइलिंग पॉइंट इज व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is equal to atmospheric pressure. When vapor pressure of a solution is equal to atmospheric pressure, then your solution will be boiled at temperature at which temperature at which vapor pressure of a solution is equal to atmospheric pressure, then this solution will be boiled at that temperature, and this temperature is called your boiling temperature, मतलब boiling point. ठीक है, मतलब कि जिस टेम्परेचर पे एटमोस्फेरिक प्रेशर सॉल्यूशन का, मतलब कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल टू हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर. एग्जांपल के तौर पर अगर हम लेते हैं तो H2O एट 373.15 केल्विन टेम्परेचर. ठीक है, वाटर का 373.15 मतलब के 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर जो होता है वो 1.013 केल्विन होता है, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. केल्विन नहीं, बार. दिस वैल्यू इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.013 बार होता है. मतलब कि H2O 373 पे जो वेपर प्रेशर होता है वो इज इक्वल टू हो जाता है 1 एटमॉस्फेयर के बराबर. देयरफॉर दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ ए वाटर. इसी वजह से H2O 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे आके बॉइल हो जाता है, बिकॉज वेपर प्रेशर ऑफ H2O इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट
100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। इस वजह से वाटर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे आके बॉइल हो जाता है। तो अब आपको पता चल गया होगा बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, कि ऐसा टेम्परेचर जिस पे आके वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। उसे हम क्या कहते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट हम उसे कहते हैं। अब हम डिस्कशन करेंगे एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। एलिवेशन मतलब कुछ इंक्रीज होगा टेम्परेचर, ऐसी कुछ बात बताने वाला हूँ मैं आपको। तो मान लो हमारे पास एक बीकर है, उस बीकर में मैंने ले लिया है यहाँ पे वाटर, ठीक है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमें ऑलरेडी पता है कितना होता है, तो 373.15 केल्विन होता है। एंड एट दिस टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ इन दिस बीकर वी हैव वाटर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373.15 केल्विन एंड वेपर प्रेशर इज 1.013 बार, ठीक है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 373.15 केल्विन एंड एट दिस टेम्परेचर वेपर प्रेशर इज इक्वल टू 1.013 बार होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, देखो अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूंगा इसके इक्वल इसके वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर मैं लेने वाला हूँ केल्विन में, यहाँ पे जो टेम्परेचर मैंने लिया है वो मैंने लिया है केल्विन में। तो अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूंगा और सिर्फ मुझे सॉल्वेंट, ये वाटर हमारा क्या है, तो सॉल्वेंट है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो कुछ ऐसा आएगा। और इस टेम्परेचर पे क्या हो जाता है कि आपका जो इस टेम्परेचर पे यहाँ पे ये जो टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे ये जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो 1.013 बार, मतलब कि 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल टू आ जाता है। देयरफॉर वी कॉल दिस टेम्परेचर इज टी नॉट बी, मतलब कि यहाँ पे जो ये टेम्परेचर है उसको हमने बता दिया टी नॉट बी बता दिया, ठीक है ना। यहाँ पे आके क्या होता है, इस टेम्परेचर पे आके आपका सॉल्वेंट मतलब ये वाटर बॉइल होने लगता है, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल टू हो जाता है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू ऐड सुक्रोज इन दिस बीकर, सुक्रोज को मैं इस बीकर में ऐड करने वाला हूँ। एंड सुक्रोज इज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सुक्रोज जो होता है वो हमारा होता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है। When and we also know that when we add non-volatile solute in pure solvent, vapor pressure will be decreased. ये हमने vapor pressure वाला दो lecture पहले जो बात की थी वहाँ पर मैंने बताया था, अगर pure solvent में आप क्या डालोगे, non-volatile solute डालोगे तो surface पे क्या हो जाएगा, solvent और non-volatile solute आ जाएगी। तो सरफेस पे सॉल्यूट सॉल्वेंट कम हो जाने की वजह से हमें वेपर प्रेशर कम मिलेगा, ठीक है। ये आपको बता होना चाहिए, ये मैंने बहुत ही डिटेल में आपको बताया था पहले। अब क्या होगा, अब हमें जो ये बीकर मिला है, ये बीकर बना है हमारा सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन है इसमें, तो सॉल्यूशन होता है सॉल्यूशन ऑफ ए सुक्रोज है, सॉल्यूशन ऑफ ए सुक्रोज है, ठीक है। ओके ये सॉल्यू ये क्या है हमारे पास इस बीकर में, अब हमें मिल गया सॉल्यूशन ऑफ ए सुक्रोज। हमने क्या किया, एट 373.15 केल्विन पे इस बीकर का वेपर प्रेशर चेक किया तो वो आता है इज नॉट इक्वल टू 1.013 बार, वो क्या आता है इज नॉट इक्वल टू वेपर प्रेशर 373 केल्विन पे क्या आ जाता है 1.013 बार, मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम आता है, सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना नहीं आता पर क्या जाता है लेस देन 1.013 बार आता है, मतलब कि इस वैल्यू से कुछ वैल्यू कम आती है। मतलब कि अब क्या पता चलेगा, ये जो सॉल्यूशन है 373.15 केल्विन पे क्या नहीं होगा, बॉइल नहीं होने वाला, क्योंकि वेपर प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल नहीं आता, क्या आता है तो उससे कम आता है, ठीक है। तो अगर हमें इस सॉल्यूशन को, इफ वी हैव टू बॉइल दिस सॉल्यूशन वी हैव टू इंक्रीज टेम्परेचर, हमें टेम्परेचर को इंक्रीज करना होगा
373.15 केल्विन से अगर हम वो इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो वेपर प्रेशर, जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर इज इक्वल टू 1.013 बार आ जाएगा, ठीक है ना। 373.15 केल्विन से हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर, और हमें क्या करना होगा कि जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का वो हमें क्या एक एटमॉस्फेयर के बराबर करना होता है, और जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर आ जाएगा उस टेम्परेचर को हम बता देंगे कि इस सॉल्यूशन का क्या है, तो बॉइलिंग पॉइंट है। सॉल्यूशन का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे मैंने जो ये एरो करके दिखाया है इसका मतलब ये नहीं कि इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 373.15 केल्विन होता है। हमने 373.15 केल्विन से टेम्परेचर को इंक्रीज किया, जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल टू आएगा, उस टेम्परेचर को हमने बुलाया सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, जिसको मैं TB से क्या करने वाला हूँ, रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, ठीक है, ये पता चल गया। ठीक है, अभी यही बात उस ग्राफ में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो ये पता चल गया कि सॉल्वेंट का ग्राफ ये था, बाद में क्या किया, सॉल्यूट ऐड किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो 373.15 केल्विन पे वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, लेस हो जाता है 1.013 बार से। मतलब कि मुझे अभी क्या पता चलेगा कि ये सॉल्वेंट जो है उसका ग्राफ जो होगा वो नीचे चला जाएगा, ये जो ग्राफ होगा ये बनता है सॉल्यूशन का ग्राफ, ये किसका ग्राफ होता है, सॉल्यूशन का ग्राफ होता है। यहाँ पे पता चला कि 373.5 पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1.013, ये क्या है हमारा टी नॉट बी टेम्परेचर पे सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था वो 1.013 बार होता है। 373.15 पे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो लेस देन होता है 1.013 बार से। तो यहाँ पे हमें लिख रहा है कि इस टेम्परेचर पे ये जो सॉल्यूशन है उसका जो यहाँ पे वेपर प्रेशर है वो कितना होता है 1.013 बार से, कुछ ना कुछ तो कम होगा। पर हमें तो क्या करना है, इस सॉल्यूशन पे सॉल्यूशन को बॉइल करवाना है। तो हमें एक बात पता चलती है कि बॉइल कब होगा सॉल्यूशन, जब उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या हो जाता है, इक्वल टू हो जाता है। तो हमारा जो सॉल्यूशन है कुछ इस टेम्परेचर पे आके, ठीक है ना, टी नॉट बी जो था उससे मैंने क्या किया, कुछ टेम्परेचर को इंक्रीज किया। इंक्रीज करने से क्या हो गया कि हमारा सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर था वो 1.013 बार के इज इक्वल टू आ गया। ठीक है, आने की वजह से ये जो सॉल्यूशन था वो बॉइल होने लगता है, वो सॉल्यूशन विल बी बॉइल एट दिस टेम्परेचर। ठीक है, तो यही बात बताना चाहता था कि सॉल्यूट डालने की वजह से आपका वेपर प्रेशर कम होता है, और वेपर प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए टेम्परेचर भी हमने इंक्रीज किया, और TB टेम्परेचर हमने मान लिया है कि ये TB टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पे आके आपका सॉल्यूशन जो है वो बॉइल होने लगता है। तो ये ग्राफ जो हमारी बुक में दिया था वो मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एक और टर्म बताऊँगा, यहीं पर बता देता हूँ, इन दोनों टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस मतलब डेल्टा TB इज इक्वल टू होता है TB-T0B। यही इक्वेशन की हमें बात करनी है, ये पहला इक्वेशन है जो हमें पता होना चाहिए, इसके बेस पे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो, तो अभी आपको पता चल गया कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होता है 373.15 पे सॉल्वेंट से कम होता है, और अगर हमें सॉल्यूशन को बॉइल करवाना है तो टेम्परेचर को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, और वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या करना होगा तो इज इक्वल टू लेके जाना होगा। तो अभी आपको एक इक्वेशन मिला, डेल्टा TB इज इक्वल टू TB-T0B। ठीक है, यहाँ पे जो ये डेल्टा TB होता है वो है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से
आपका नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, जो सॉल्यूशन बना उसको बॉइल करने के लिए कितना टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए सिर्फ जब सॉल्वेंट था उससे, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, टी भी मैंने बताया, ये क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का ये बॉइलिंग पॉइंट है, और ये टी जीरो भी क्या होता है, तो ये होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट ये होता है, ठीक है। इसी इक्वेशन के बेस पे हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आप लिख देना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलो ये हमें पता चल गया, चलो आगे देखो। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया बच्चों, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो डेल्टा ई बी होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो ये डेल्टा ई बी, थोड़ा पेन बहुत रुक जाओ, पेन चेंज कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो ये डेल्टा टी भी होता है, डेल्टा टी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है स्मॉल एम, और स्मॉल एम का मतलब होता है मोलालिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है, ठीक है। मोलालिटी का मतलब हमें पता ही होता है, मोलालिटी मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किस पे, तो किलोग्राम। तो डेल्टा टी बी जो है वो अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे, मतलब कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। इस वजह से डेल्टा टी बी मतलब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को हमने बता दिया है कि ये क्या है, तो पॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों पॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो होते हैं वो सॉल्यूट के नंबर्स पे डिपेंड करते हैं, नंबर्स से हमारा मतलब है मोल, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, इन सब पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे डेल्टा टी बी जो है वो सॉल्यूट के मोल्स पे डिपेंड करने की वजह से डेल्टा टी बी को हम क्या कहते हैं, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। डेल्टा टी बी हमारी क्या है, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हो जाती है। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट को निकालने के लिए हम क्या कहेंगे, डेल्टा टी बी is equal to kb, मोल्स मतलब क्या होता है, मोल्स मतलब होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम wb से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो भी होता है ग्राम में आता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम बात करने वाले हैं तो ग्राम में ही बात होगी, छोटे यूनिट में बात होने वाली है। एंड द मोलर मास डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का हम m2 से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा आपका w1, इसको हम w1 से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। w1 को हम ग्राम में ही लिखेंगे क्योंकि डायरेक्ट सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं, तो किलोग्राम में अगर किलोग्राम है उसको मुझे मतलब कि यहाँ पे हमें W1 जो है वो तो ग्राम में ही लेना है, पर यहाँ पे जब हमें न्यूमेरिकल में वैल्यू आएगी वो क्या होगी, ग्राम में आने वाली है, तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवाइड करना होगा डिवाइड करना होगा, ठीक है। यहाँ पे जो ये डेल्टा केबी है, ये केबी होता है केबी जो आपका होता है वो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है, ये क्या होता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, मोलर एलिवेशन ठीक से लिख देते हैं, केवी होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट
या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन कॉन्स्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन कॉन्स्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन कॉन्स्टेंट या उसको और इब्यूलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, इब्यूलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट भी उसे बोला जाता है। केबी को भी अलग अलग नेम से रिप्रेजेंट किया जाता है, मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन कॉन्स्टेंट और इब्यूलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एक बार मैं आपको बता दूँ, यूनिट ऑफ केबी, केबी का जो यूनिट होगा वो कैसे होगा, तो देख डेल्टा टी पी बराबर क्या है, तो केबी इंटू स्मॉल एम होता है, तो के बी इज इक्वल टू आ जाता है डेल्टा टी बी और ये हो जाता है स्मॉल एम। के बी जो होता है वो केल्विन में होता है और यहाँ पे जो मोलालिटी होती है वो क्या होती है, मोल, मोल डिवाइडेड बाय क्या होता है, यहाँ पे किलोग्राम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका मोल डिवाइडेड बाय किलोग्राम आएगा। तो इस वैल्यू को हम अगर यहाँ पे रखते हैं तो आंसर आएगा केल्विन इंटू किलोग्राम इंटू मोल इनवर्स। ये एम सी क्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या पता चल गया कि डेल्टा टी बी, एक तो ये इक्वेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ये आपको पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल में हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, न्यूमेरिकल में हम इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो और ये जो इक्वेशन है यहाँ पे मैं स्मॉल में सम अप करके देता हूँ, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू हो जाएगा के बी, मास ऑफ सॉल्यूट को हम डब्ल्यू बी से रिप्रेजेंट करेंगे वो भी ग्राम में होगा, डिवाइडेड बाय होगा हमारा यहाँ पे एम टू, एम टू और ये डब्ल्यू वन, मास ऑफ ए सॉल्वेंट डब्ल्यू वन जो ग्राम में होगा उसको किलोग्राम में हमें कन्वर्ट करना होगा क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट हम किलोग्राम में लेते हैं, तो इंटू डिवाइडेड बाई थाउजेंड और ये ऊपर चला जाएगा तो इक्वेशन विल बी थाउजेंड, मतलब डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू टू ग्राम इंटू थाउजेंड डिवाइडेड बाई एम टू इंटू डब्ल्यू वन किलोग्राम, जहाँ के बी क्या है तो मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट या इब्यूलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए एलिवेशन कॉन्स्टेंट, डब्ल्यू टू है हमारा मास ऑफ सॉल्यूट, एम टू है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू वन जो है वो हमारा क्या है मास ऑफ ए सॉल्वेंट, हमारा क्या है तो मास ऑफ ए सॉल्वेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आपका इक्वेशन दिया है वो हो जाता है, इस इक्वेशन के बेस पे हमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इन दो इक्वेशन के बेस सबसे पहले ये ढूंढना होगा यहाँ से डेल्टा टी बी और इसके बाद इन दोनों में से किसी एक को आपको क्या करना होगा तो ढूंढना होगा, ठीक है। चलो अब हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल, इक्वेशन हमने डीआर कर दिया है, इक्वेशन जो है वो हमने डीआर ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हमें न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक है। चलो बुक के लिए एग्जांपल हम करने वाले हैं, मैं पहले थोड़ी रकम को लिख दो, हमें वैल्यूज कौन कौन सी दी गई है, पहले लेक्चर कितना लंबा हो, चलो काम नहीं लेक्चर, चलो एग्जाम्पल नंबर 2.7 है हमारे पास, इन दिस एग्जाम्पल भी है मास ऑफ वाटर, हमारे पास है मास ऑफ वाटर वी हैव ऑलरेडी, सो मास ऑफ वाटर विल बी मास ऑफ वाटर से मास ऑफ वाटर नहीं मास ऑफ ग्लूकोज हमें इक्वेशन में दिया हुआ है, वहाँ पे आप लोग एनसीईआरटी बोल के बैठी है और एग्जाम्पल नंबर 2.7 देखिए उसमें मास ऑफ सॉल्यूट मतलब कि हमारे पास W2 दिया हुआ है कुछ 1. मतलब कि 18 ग्राम दिया हुआ है, उसके बाद हमारे पास है मास ऑफ वाटर का हमें दिया हुआ है, मास ऑफ वाटर मतलब कि W1 हमें दिया गया है 1 किलोग्राम, ठीक है। हमारे इक्वेशन में जो W1 था उसको हमने किसमें कन्वर्ट किया था ग्राम में, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000 ग्राम हमें कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। बाद में हमें दिया है के बी की वैल्यू 0.52 के इंटू किलोग्राम मोल इनवर्स होती है और T0B मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए प्योर वाटर का होता है 373.15 केल्विन। जब भी आप न्यूमेरिकल गिनोगे टेम्परेचर को केल्विन में ही कंसीडर करने वाले हो, ठीक है। तो
ढूंढना क्या है हमारे पास, ढूंढने के लिए हमारे पास है टीबी, मतलब कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमें ढूंढना है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमें ढूंढना है। हमारे पास क्या होता है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू होता है केबी इनटू एम होता है। एम ढूंढने के लिए सभी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, और डेल्टा टीबी होता है टीबी माइनस टी जीरो बी इज इक्वल टू केबी इनटू एम इनटू एम। इसमें से हमें क्या करना है, टीबी को ढूंढना है, तो टीबी इज इक्वल टू हो जाएगा केबी, केबी कितना है वहां पे 0.52, यहां पे मोल ये हमें ढूंढना है, ठीक है। ये ढूंढने के बाद हमें यहां पे प्लस हो जाएगा, ये यहां पे आएगा, तो टी जीरो बी, तो 0.52 इंटू मोलारिटी प्लस ये कितना है, तो 3.15 केल्विन होता है। therefore we have to find first molality and the equation for the molality will be molality is equal to moles, moles जाने तो mass, चलो moles लिखते हैं, moles of solute, moles of solute divided by mass of solvent in kilogram। मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब होता है मोल इज इक्वल टू होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है। सॉल्यूट हमारे पास कितना है 18 हमारे पास क्या है सॉल्यूट है, सॉल्यूट का मास है और उसका मोलर मास होता है 180। ये कैसे गिनना है वो आपको आना चाहिए। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है, C6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। इसका कैलकुलेशन करोगे तो 180 आएगा। कार्बन यहाँ पे 12 लेना है, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन यहाँ पे 16 लेना है। इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपका 180 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इनटू आप क्या करोगे, डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कहाँ था, यहाँ पे ग्राम में दिया हुआ है, ग्राम को हमें किसमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। इसका सॉल्व कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर कुछ आएगा 0.1 मोलारिटी आपकी आंसर आ जाता है। मोलारिटी का जो आंसर है उसको यहाँ पे रखो, 0.52 इंटू 0.1 प्लस 373.15, तो 0.052 प्लस 373.15 और आंसर आपका आ जाएगा 373.5502, यहाँ पे 202 केल्विन आपका आंसर आ गया। तो ग्लूकोज 18 ग्राम ग्लूकोज 1000 ग्राम वाटर में ऐड करने की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है सॉल्यूशन का, वो कितना बढ़ता है, तो 373.202 केल्विन पे चला जाता है। और अगर आपको एलिवेशन पूछा जाए कि कितना एलिवेट हुआ, मतलब कितना इंक्रीज हुआ प्योर सॉल्वेंट से, तो 0.52 जो है वो क्या होता है, तो इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये होता है, ये हो गया आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिया, चलो। बहुत ही इजी है, आपको सिर्फ बेसिक पता होना चाहिए, बाकी तो आ जाएगा। तो यहाँ पे 1.8 अब हम करने वाले हैं, उसमें हमें दिया है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन। इस केस में जो बेंजीन हमारा है वो क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, मतलब कि टी जीरो भी हमें दिया हुआ है, वो भी कितना है 353.23 केल्विन हमें दिया हुआ है। मास ऑफ सॉल्यूट देखो, ये मैंने ऑलरेडी देखा, हमारे मेरे पास ऑलरेडी बुक है, उसमें से देख रहा हूँ। आप भी एनसीईआरटी लेके बैठ जाओ तो आपको पता चलेगा ये सब कहाँ से आता है। एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 2.8 है ये। मास ऑफ सॉल्यूट भी दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट मतलब कि W2 कितना है हमारे पास 1.80 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ बेंजीन भी दे दिया गया है, मास ऑफ बेंजीन मतलब कि सॉल्वेंट का मास भी दे दिया गया है, वो है 90 ग्राम। चलो ये तो ग्राम में ही है, तो हमें इसको कन्वर्ट करने की जरूरत अभी तो नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन मतलब कि टीबी इज इक्वल टू है 354.11 केल्विन होता है। केबी दिया हुआ है हमारे पास, केबी 2.53 केल्विन किलोग्राम इनटू मोल इनवर्स, और
ढूंढने के लिए हमें पता है मोलर मास ढूंढने के लिए बोल दिया गया। इक्वेशन वही यूज हमें कर रहा है, इक्वेशन का यूज तो हम वही करेंगे, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी टू एम। केबी हमें दिया हुआ है, हमें ढूंढना है मोलर मास। डेल्टा टीबी हम यहाँ पे ढूंढ सकते हैं क्या? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू होता है डेल्टा टीबी होता है टीबी टी नॉट बी इज इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल एम होता है। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल एम देता हूँ। देखो लंबा क्लास हुआ है, थोड़ा बोरिंग भी हुआ होगा, बोरिंग तो नहीं लगता हुआ होगा, पर फिर भी न्यूमेरिकल आते हैं तो आपको मजा तो आने ही वाला है। टीबी हमें दिया हुआ है 354.11 माइनस 353.23। केबी भी हमें दिया हुआ है 253 हमें दिया हुआ है केबी। ठीक है, इनटू एम हमें चाहिए, इनटू एम को हमें चाहिए। इसका वैल्यू आपका 0.88 आ जाएगा, इसको नीचे दे दिया है 2.53 इनटू मोलालिटी, ये आ गया आपका आ गया। अब मोलालिटी तो हमें पता ही है, मोलालिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किलोग्राम में। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल का मतलब मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास कितना है 1.80। ठीक है, 1.80। यहाँ पे सॉल्यूट का हमें मोलर मास चाहिए, सॉरी सॉल्यूट का मोलर मास तो हमें ढूंढना है, एम टू तो हमें ढूंढना है। मास ऑफ ए सॉल्वेंट कितना है हमारे पास? मास ऑफ ए सॉल्वेंट मतलब बेंजीन हमारा सॉल्वेंट है यहाँ पे। ठीक है, बेंजीन यहाँ पे सॉल्वेंट है, 90 ग्राम है। 90 को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये जो वैल्यू है उसको यहाँ पे रख देते हैं हम। ठीक है, उसको हम यहाँ पे रख देते हैं, 0.88 डिवाइडेड बाई 2.53। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 88 डिवाइडेड बाई 253। ठीक है ना, यहाँ से पॉइंट गया, यहाँ से पॉइंट गया, तो ये 100 आ जाएगा, इसको ये कैंसिल हो जाता है। इसी वजह से मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, ये कितना हो जाता है 1.80। ठीक है, एम टू डिवाइडेड बाई 90 ग्राम होता है, ये 1000 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया कुछ इस तरीके से आपका आ गया। ठीक है, एम टू मुझे ढूंढना है, तो एम टू इज इक्वल टू 1 पॉइंट, एम टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये पॉइंट को हटाने वाला हूँ, 180 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे नीचे आएगी, तो ये यहाँ पे मतलब कि 253 ऊपर चला जाएगा क्या? हाँ, तो ये यहाँ पे नीचे आ गया, 88 आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये 1000 होता है, ये 90 होता है। अब देखो ये यहाँ से गया, ये यहाँ से गया, 1, 2, 3 निकल गए। और अगर ये आपको पता है तो 88 इंटू 3 करोगे, 88 इंटू 3 करोगे तो कुछ आंसर 264 के आसपास आएगा। और अगर 2.9 करोगे, 88 इंटू 2.9 करोगे तो आपका आंसर 254 या 255 के आसपास हो जाता है। तो अप्रॉक्सीमेटली मैंने मान लिया यहाँ पे ये यहाँ से जाएगा, ये यहाँ से जाएगा, तो 2.9 आएगा, 2.9 आएगा। और ये 9 यहाँ से जाता है, 9 × 2 = 18 होता है, और ये पॉइंट है इसीलिए 20 आ जाएगा। और इसका कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर 58 आ जाएगा। 2.9 × 20 आप करोगे तो आपका आंसर आता है 58 ग्राम डिवाइडेड बाय मोल, आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका एनसीईआरटी के इंटेक्स के 2 क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल थे, वो आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो अब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आपको पता चल गया होगा क्या होता है। डेल्टा टीबी इज इक्वल, डेल्टा टीबी क्या होता है? तो एलिवेशन एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, टीबी माइनस टीजीओ बी होता है, जिसमें टीबी जो होता है वो क्या होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन होता है, और टीजीओ बी जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट होता है। अगर प्योर सॉल्वेंट हमने वाटर लिया था, यहाँ पे मैंने बताया था, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 373.15 और वेपर प्रेशर 1.013 बार था। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मैंने सुक्रोज डाला था, तो उसकी वजह से वेपर प्रेशर डाउन करता है, 373.15 केल्विन पे वो क्या हो जाता है, कम होता है। तो
1.013 मतलब कि सॉल्यूशन जो बना उसका उसको बॉइल करना है तो उसका वेपर प्रेशर हमें 1.013 केल्विन तक लेके जाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे 373.15 केल्विन से हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जिस टेम्परेचर पे बॉइलिंग वेपर प्रेशर 1.013 बार आता है उस टेम्परेचर को मैंने बोला था वेपर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए दैट सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन डेल्टा टी पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होते हैं मोलालिटी में, और मोलालिटी का मतलब होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अल्टीमेटली डेल्टा टी पी किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, इसी वजह से डेल्टा टी पी को हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताया। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, उसके बाद में मैंने मोलालिटी का इक्वेशन आपको बताया था और उसके बेस पे हमने ये एक इक्वेशन हमने किया था कि डेल्टा टी पी इज इक्वल टू के पी इंटू डब्ल्यू टू डिवाइडेड बाय एम टू इंटू डब्ल्यू वन इंटू यहाँ पे थाउजेंड जहाँ पे डब्ल्यू टू है मास ऑफ ए सॉल्यूट मास मोलर मास ऑफ ए सॉल्यूट मास ऑफ ए सॉल्वेंट। ठीक है, डेल्टा के पी क्या है तो मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट है या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन कॉन्स्टेंट या बिलो स्कोपिक कांस्टेंट है। ठीक है, और डेल्टा टी पी होता है टी पी माइनस टी जीरो बी। इन दोनों की इक्वेशन पे हमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ख़त्म होता है। ठीक है, तो इसके बेस जो भी क्वेश्चन है वो आप प्रैक्टिस करो, मिलते हैं। ठीक है, जो भी क्वेरी हो कमेंट करके बताओ, नेक्स्ट लेक्चर में आप मिलते हैं। चलो, लाइक एंड share my videos with your friends, give comments, also subscribe my YouTube channel Aditya Shinde. Thank you for watching.